हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नोट्स कल्चर। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, या फूलों के पौधे की आकृति विज्ञान। अब फूलों के पौधे मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स की। तो यहाँ हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बेसिकली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में। अब हम सबसे पहले इसकी स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि फूल क्या होते हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली अ फ्लावर। तो अगर हम देखें, फ्लावर इज नथिंग बट द मॉडिफाइड स्टेम, मतलब कि एक रूपांतरित तना जो है उसे हम कहते हैं फ्लावर। मॉडिफाइड स्टेम। और ये प्लांट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? पौधे के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए कहलाता है, एंजियोस्पर्म्स में पौधे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि जो इसका प्रजनीय संरचना मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है वो फ्लावर कहलाता है। मतलब ये फ्लावर जो है एक मॉडिफाइड स्टेम है, साथ ही साथ ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मतलब प्रजनीय संरचना है प्लांट की। अब इसे हम मॉडिफाइड स्टेम क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम कभी स्टेम की बात करें तो अगर हम एक नॉर्मली ये स्टेम देखें तो हम देखते हैं कि एक तने में यहाँ पे इसके नोड्स रहती हैं और इन नोड्स से जो दूसरे तने हैं वो आते हैं। अब यहाँ पे एक और तना, ये भी एक और, इसके ये इसकी ब्रांचेस निकल गई, इन ब्रांचेस में यह जनरली ये पत्तियाँ आती हैं। और हम जब भी कभी फ्लावर देखते हैं तो फ्लावर यूजुअली कहाँ होता है? उसके सिरे में, उसके टर्मिनल पोर्शन में। कभी भी हमने कोई तना ऐसा नहीं देखा कि यहाँ पे एक फ्लावर आ गया, इसके बाद फिर ये तना बढ़ गया और फिर फ्लावर आ गया और फिर तना बढ़ के उसमें एक पत्ती आए, ऐसा कभी नहीं होता। तो इसीलिए हम इसको अगर मॉडिफाइड स्टेम बोल रहे हैं तो मॉडिफाइड कैसे हो गया ये स्टेम? मॉडिफाइड कंडेंस्ड स्टेम, मॉडिफाइड कंडेंस्ड स्टेम। कंडेंस्ड मतलब एकदम बिल्कुल संक्षिप्त रूप में ये जो तना है वो बिल्कुल सिकुड़ के एक फ्लावर बनाता है। वो कैसे होता है? ये एक तने की बात कर रहे हैं, ये एक तना है। अब इसके यहाँ पे जो नोड्स हैं ये काफी पास पास आ जाते हैं। अब इसके अगर नोड्स पास आते हैं तो सबसे इसके जो नीचे वाला नोड है ये क्या करता है? ये सेपल का निर्माण करता है, ये बनाता है सेपल। अभी सेपल्स क्या होते हैं? जब कभी भी हम बात करें बड की, मतलब अगर एक कली की, तो हम देखते हैं कली में क्या होता है, बिल्कुल वो हरे कलर की संरचना से कवर्ड रहता है। तो वो जो हरी संरचना रहती है वो कुछ नहीं पर सेपल कहलाती है। उसके बाद अगर हम पौधा देखें, फ्लावर देखें, तो फ्लावर बहुत सुंदर सुंदर से रहते हैं, लाल पीले नीले, बहुत सुंदर सुंदर कलर्स के रहते हैं। तो वो जो सुंदर सा कलर जिसका हम देखते हैं उसको हम कहते हैं पेटल। तो अगर हम यहाँ बात करें इसकी तो ये हो गया इसका पेटल, या इसको हम कहते हैं पंखुड़ी। अब जनरली हम इसके डीप स्ट्रक्चर डिटेल स्टडी थोड़े देर में करेंगे, लेकिन एक अगर बेसिक बात करें, सेपल का काम क्या होता है? ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है बड कंडीशन में, जब वो कली के रूप में रहता है उस कंडीशन में ये प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्ट बड। अगर हम पेटल्स की बात करें तो पेटल का काम क्या होता है? जब परागण होता है तो परागण के समय जब इंसेक्ट्स रहते हैं या कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स रहते हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम किसका रहता है? पेटल्स का। जेन्युइन सी चीज़ें, अगर हम कोई सुंदर सी ड्रेस देखते हैं या कोई सुंदर सी चीज़ देखते हैं तो हम उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो वैसे ही जो इंसेक्ट्स हैं वो भी अगर सुंदर सा इसका पेटल दिखे तो वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो पेटल्स का काम क्या होता है? अट्रैक्टिंग, अट्रैक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब इसके बाद अगर हम इसके बाद वाली नोड की बात करें तो इस नोड से क्या होता है? हम अगर नॉर्मली मदार के फ्लावर की बात करें तो मदार में हम देखते हैं कि पहले एक उसके सेपल्स रहते हैं हरे हरे से, उसके ऊपर फिर लाल कलर का उसके पंखुड़ी रहते हैं, फिर उसके अंदर से एक हल्का सफ़ेद और थोड़ा सा पिंकिश टाइप की एक ऐसी डंडी निकले रहती है, और उसमें साथ ही साथ हल्की हल्की लाल लाल से और पतली पतली डंडियाँ निकले रहती है। तो वो जो पतली डंडियाँ निकले रहती है ये यहाँ पे, इसे हम कहते हैं एंड्रोशियम, इसे हम एंड्रोशियम या स्टेमन कहते हैं। अब इसका एंड्रोशियम या स्टेमन मतलब क्या हुआ? अगर किसी पौधे में सिर्फ एक इस तरीके की डंडी पाई जाएगी तो उसे हम कहेंगे स्टेमन।
लेकिन अगर वो बहुत सारी डंडियां, जैसे अगर ये एक कोई भी, मैंने एक फ्लावर बनाया, ये कोई भी फ्लावर है और इस फ्लावर में बहुत सारी ऐसी डंडियां निकली है, तो ये इस कंडीशन में क्या कहलाएगा? इसका एंड्रोशियम। लेकिन अगर इसमें सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर है तो ये क्या कहलाएगा? स्टेमेन। वैसे ही यहां पे फिर एक और स्ट्रक्चर आता है जिसे हम कहते हैं गाइनोशियम। इसे हम कहते हैं गाइनोशियम। और जैसे कि हमने बात की, अगर ये ग्रुप में रहता है तो ग्रुप में हम इसे एंड्रोशियम कहते हैं और सिंगल इसे स्टेमेन कहते हैं। वैसे ही अगर ये ग्रुप में रहता है तो गाइनोशियम, और सिंगल रहता है तो इसे कहते हैं पिस्टल या कार्पेल। गाइनोशियम के सिंगल रूप को पिस्टल या कार्पल और ग्रुप को गाइनोशियम कहते हैं। अब ये गाइनोशियम बेसिकली मिलके किस किस चीज से मिलके बनता है? तो ये जो गाइनोशियम है, ये गाइनोशियम बनता है ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा से मिलके ये गाइनोशियम बनता है, और या फिर इस गाइनोशियम को हम क्या कहते हैं? पिस्टल या कार्पल। और एंड्रोशियम की बात की जाए, एंड्रोशियम या स्टेमेन, ये स्टेमेन जो है वो फिलामेंट और एंथर से मिलके बनता है, फिलामेंट और एंथर से मिलके बनता है। ये एक जनरल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल कैजुअल सी चीज थी कि हम इसको मॉडिफाइड स्टेम क्यों कहते हैं। मॉडिफाइड स्टेम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो नोड्स हैं वो बिल्कुल संक्षिप्त रूप में आके इकट्ठा हो जाती है, कंडेंस फॉर्म में आ जाती है, और ये एक फ्लावर का निर्माण करती है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली फ्लावर स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी पेडिसल से। पेडिसल मतलब डंठल। कभी भी आप अगर फ्लावर तोड़ते हैं, चाहे वो रोज हो या कोई और फ्लावर, तो आप सीधे सीधे उसको उसके डंठल के साथ तोड़ते हैं। तो हम वहां से शुरू करते हैं। तो सबसे नीचे होता है उसका डंठल, इसे हम कहते हैं पेडिसल। इस पेडिसल का काम क्या रहता है? पूरे पौधे को, मतलब पूरे फ्लावर को इकट्ठे करने का, पकड़ के रखने का। फिर इस पेडिसल के बाद यहां पे होता है थैलेमस। इस थैलेमस के आसपास ही सारे के सारे फ्लोरल वर्ल्ड्स जो है वो जमा होते हैं। फ्लोरल वर्ल्ड मतलब होता है चक्राकार आकृति। कभी भी आप अगर फ्लावर को देखेंगे तो वो हमेशा चक्राकार आकृति में होता है, ठीक। वो चाहे सीधे खड़े रूप में हो या फैले रूप में हो, पर वो गोल होता है। तो इसलिए जितने भी फ्लोरल वर्ल्ड या चक्राकार आकृति होती है वो पूरी इस थैलेमस के आसपास इकट्ठा होती है। अब अगर हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो इस थैलेमस के बाद से यहां से ये इसका सेपल हो गया, और इस सेपल्स का काम हमने देखा था क्या होता है? बड को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद यहां पे अगर हम देखें तो यहां सेंटर में ओवरी होती है इसकी। और अगर हमने बात की ओवरी की, मतलब हम किसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहे हैं? पिस्टल का, क्योंकि पिस्टल में होती है ओवरी। फिर ये ओवरी जो है ये ऐसी लंबी होके एक ट्यूब का निर्माण करती है, और यहां पे ये इसका हो गया स्टिग्मा। ये है इसका स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब नाम से पता चल रहा है कुछ स्टिकी चीज आके इकट्ठा होना। मतलब ये जो स्ट्रक्चर रहता है ये थोड़ा स्टिकी स्टिकी सा, थोड़ा सा चिपचिपा सा रहता है, और जो पॉलन ग्रेन्स रहते हैं वो पॉलन ग्रेन आके इस स्टिग्मा में इकट्ठा हो जाते हैं, और यहां से एक ट्यूब रिलीज होती है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस स्टिग्मा का काम क्या रहता है? पॉलन ग्रेन को रिसीव करना,
ये जो है ये इसका स्टाइल और ये कहलाती है इसकी ओवरी। और इस ओवरी के अंदर यहाँ पे ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें ये छोटे छोटे से ओव्यूल्स पाए जाते हैं। तो इस ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। अब ये ओवरी और ओव्यूल का काम क्या है? ये ओवरी जो है जब बाद में फ्लावर बढ़ता है और बढ़ने के बाद एक फ्रूट डेवलपमेंट होता है तो वो किसके द्वारा होता है? इस ओवरी के द्वारा। तो ओवरी का काम क्या रहता है? बाद में ये बढ़ के फ्रूट में डेवलप हो जाती है। जबकि अगर हम ओव्यूल की बात करें, हमने कभी भी देखा है बीज कहाँ पे होता है? कभी भी वो फूल के बाहर नहीं होता है, वो सॉरी फ्रूट के बाहर नहीं होता। और फ्रूट के बाहर भी होता है अगर, तो उस कंडीशन को हम अलग अलग नाम देते हैं। यूजुअली अगर हम कोई भी फ्रूट खाते हैं, यूजुअली जैसे अगर हम गुआवा की बात कर लें या अगर हम सेब की बात कर लें, तो उसमें क्या होता है, सबके अंदर बीज अंदर होते हैं। तो ये जो ओव्यूल रहता है ये बाद में बीज में कन्वर्ट होता है। मतलब आपको अगर याद करना है, जैसे कभी कभी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी अपने स्कूल टाइम्स में ही कन्फ्यूजन था कि ओवरी सीड में कन्वर्ट होती है कि ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। अब जेन्युइन सी बात है कि कभी भी फ्रूट के अंदर सीड पाया जाता है, तो अंदर है अगर ओवरी के अंदर है ओव्यूल, तो ये ओव्यूल डेफिनेटली सीड में कन्वर्ट होगा और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होगी। तो इनका काम ये होता है। अब हम अगर यहाँ देखें तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ये जो है ये है इसकी पंखुड़ी या पेटल्स, ये है इसके पेटल्स। इसका काम क्या रहता है? पॉलन ग्रेन्स को पॉलिनेटिंग एजेंट्स जैसे कि इंसेक्ट हो गए, कीड़े मकोड़े आके पॉलन ग्रेन्स को एक पौधे से दूसरे पौधे में बैठते हैं। तो जब वो एक पौधे से दूसरे पौधे में बैठते हैं तो जो पॉलन ग्रेन्स रहते हैं वो उनके पैर में चिपक के ये इसमें आ जाते हैं और फिर यहाँ पे फिर वो फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं। अब कभी भी कोई भी कीड़ा, अगर आप कभी तितली को देखें, तितली कभी ऐसी खाली जगह पे जाके नहीं बैठती, वो कोशिश करती है कि उसको कोई सुंदर सा फ्लावर दिखे, और जनरली वो सुंदर से फ्लावर में जाके बैठती है। तो ये सुंदरता जो फ्लावर अट्रैक्ट करता है वो उसका फ्लावर का कौन सा पार्ट उसको अट्रैक्ट करता है? पेटल्स। तो ये पेटल्स का काम क्या होता है? अट्रैक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब अगर हम यहां बात करें तो क्योंकि ये जो है ये तीनों मिला के स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों मिला के बनाते हैं पिस्टल। और इस पिस्टल को ही हम क्या कहते हैं? फीमेल पार्ट। मतलब कि एक पौधे का जो फीमेल पार्ट होता है वो फीमेल पार्ट को हम क्या कहते हैं? पिस्टल या कार्पेल। और ये किससे मिलके बने रहते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से। अब अगर इसमें फीमेल पार्ट है तो कोई ना कोई मेल पार्ट भी होगा, तो वो मेल पार्ट को हम कहते हैं स्टेमन। और वो मेल पार्ट इस तरीके से होता है, ये। अब अगर आपको गुड़हल का फ्लावर ध्यान होगा तो गुड़हल में आपने देखा होगा कि पीले कलर का बिल्कुल छोटे 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 उसमें ऊपर से पाउडर टाइप सब्सटेंस होता है और वो पाउडर बिल्कुल छूते साथ हाथ में आ जाता है और बिखर जाता है। वो यहाँ पे ये जो रहता है वो पाउडर सब्सटेंस होता है और जिससे वो लगे रहते हैं, जिस डंडी से वो लगे रहता है उसे हम कहते हैं फिलामेंट। ये कहलाता है फिलामेंट और इसे हम कहते हैं एंथर। अब कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होता है या पॉलन ग्रेन के अंदर एंथर होता है। तो एंथर एक्चुअल में बाहर की कवरिंग होती है, उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होता है, वो कुछ ऐसे नजर आता है। जैसे अगर हम एंथर की स्ट्रक्चर देखें तो एंथर ये ऐसा है,
अगर इसे हम काटते हैं, काट के देखें तो इसके अंदर इस तरीके से पॉलन ग्रेन्स भरे रहते हैं। इस तरीके से इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे रहते हैं। तो बेसिकली ये जो पॉलन ग्रेन कहाँ रहते हैं? एंथर में, ठीक है। और एंथर जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं। अब बाइलोब्ड मतलब कि इसमें दो ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर, जनरली दो कप लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, पर कुछ कुछ एंथर जो होते हैं उसमें सिर्फ ये एक लोब पाया जाता है। वो एक्सेप्शंस होते हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। तो ये जो है एंथर और फिलामेंट, इन दोनों को साथ में मिला के क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एंड्रोशियम या स्टेमेन। और ये कहलाता है एंथर और फिलामेंट मिला के हम कहते हैं स्टेमेन। इसका अगर ग्रुप हो तो इसे हम कहते हैं एंड्रोशियम। और ये जो स्टेमेन है ये कौन सा पार्ट हो गया? मेल पार्ट, मेल पार्ट। अब अगर कोई भी पूछता है आपसे कि फ्लावर का फीमेल पार्ट कौन सा होता है, फीमेल पार्ट होता है पिस्टल या कार्पल, और मेल पार्ट उसका कौन सा होता है? स्टेमेन। ये जनरल स्ट्रक्चर था हमारा फ्लावर का। लेकिन ये इस स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को समझने के पहले एक छोटी सी चीज और जान लेते हैं। बच्चों को हमेशा हमेशा ये कंफ्यूजन होता है इन दोनों चीज के बीच में। ये जो दो पार्ट्स हमको दिख रहे हैं, ये बाकी सब डिलीट कर, मतलब ये मिटा दिया जाए यहाँ पे, ये यहाँ पे। अब कभी भी अगर बच्चों से पूछा जाए थैलेमस कौन सा है, वो हमेशा इस ओवरी को सोचते हैं कि थैलेमस है। थैलेमस वो चीज नहीं होती। कभी भी थैलेमस के ऊपर या उसके आसपास फ्लोरल वॉल्स अरेंज रहते हैं, लेकिन ओवरी जो है ओवरी डायरेक्ट स्टाइल से जुड़ी रहती है। जैसे कि अगर आप कभी कोई ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ओवरी नहीं है, ओवरी ऊपर की तरफ होती है। ये है ओवरी, ऊपर की तरफ जो है वो है ओवरी, और नीचे की तरफ जो होता है वो होता है थैलेमस। तो इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपको कभी कभी पीएटी में भी ऐसा आ जाता है कि आपको फ्लावर बना के दे दिया जाएगा। जैसे मैंने ये फ्लावर बना दिया, यहाँ पे मैंने लाइन की, इसका नाम नहीं लिखा है और मैंने नंबर डाल दिया 1। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, इसका मैंने नाम नहीं लिखा, इसका मैंने नाम नहीं लिखा, इसके मैंने डाल दिया 2। इस स्ट्रक्चर का मैंने नाम नहीं लिखा और यहां लिख दिया 3। और ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है, ये जो गोले गोले हैं, इसका नाम नहीं लिखा और ये लिख दिया 4। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं पीएटी में कि आपको एक फ्लावर बना दिया जाएगा, उसमें आपको ऐसे एरोज दे दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर का नाम क्या है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये कौन सा स्ट्रक्चर था? ये था स्टाइल। यहाँ पे अगर हम देखें बाहर का पोर्शन, जो बाहर का फूला हुआ पोर्शन रहता है, फूला हुआ पोर्शन बाहर का क्या कहलाता है? ओवरी। लेकिन जो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है वो क्या कहलाता है? ओव्यूल। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जो ओव्यूल फ्रूट है वो किससे बना है? फ्रूट जो है वो ओवरी जब मॉडिफाई हो जाती है, ओवरी डेवलप होती है, तो ओवरी डेवलप होकर क्या होता है? फ्रूट बनता है। लेकिन ओव्यूल जब डेवलप होता है तो क्या होता है? सीड बनता है। अब अगर हम नॉर्मल सी चीज देख रहे हैं कि ओव्यूल डेवलप होकर सीड बन रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ओव्यूल की वॉल है, मतलब अगर ये ओव्यूल है एक, और इस ओव्यूल में यहाँ पे ये, तो इसकी जो वॉल है, ये जो इसकी बाहर की कवर है, ये अभी ओव्यूल वॉल है। ये जब बाद में सीड में कन्वर्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा? सीड की वॉल कहलाएगी तब। और इस सीड की वॉल को हम क्या कहते हैं? सीड कोट। तो ये जो सीड वॉल है ये और कुछ नहीं बट ओव्यूल वॉल है। और ओव्यूल वॉल कैसे? क्योंकि ये बाद में डेवलप होके सीड बन गया। वैसे ही अगर हम फ्रूट की बात करें तो फ्रूट किससे बनते हैं? इस ओवरी से मिलके बनते हैं। तो ओवरी बाद में क्या हुई? फ्रूट में कन्वर्ट हुई। और ये जो ओवरी वॉल है वो बाद में क्या बनेगी? फ्रूट वॉल। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था फ्लावर का। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हर एक जो इसके इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स, मतलब कि जिसका स्टेमेन या एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कार्पल्स, कैलिक्स, ये सबका काम क्या क्या रहता है। अच्छा, एक और चीज़, ये कोरोला और कैलिक्स क्या होता है ये भी हम समझते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अगर हम एक सेपल की बात करें, आप जब कभी भी बड देखें
Thank you.